नमस्कार दोस्तों, बात एंड बॉल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस लाल गेंद के साथ में टेम्परिंग करने की कोशिश करी है, और टेम्परिंग करने की कोशिश इस तरह करी है उन्होंने। ये जो गेंद होती है, वैसे ये वो लेदर की बॉल नहीं जिससे मैचेस होते हैं, ये एक तरीके की आप ये कह सकते हैं कि कॉर्क की बॉल जिसको बोलते हैं वो है। और अगर मैं ऐसे बताऊँ कि क्या उन्होंने किया है, दरअसल उन्होंने इस गेंद को, ये जो हिस्सा है, ये सीम जिसको बोलते हैं हम, सिलाई बोलते हैं इसको, और यहाँ के हिस्से को अपने जूतों के स्पाइक से दबाया है, नुकीली चीज़ से दबाया है, जिसके बाद उस गेंद की शेप बिगड़ जाए, छेड़छाड़ हो जाए, उस गेंद को स्विंग कराने में मदद मिल जाए। रिवर्स स्विंग और स्विंग के लिए ज़्यादातर बॉल टेम्परिंग की जाती है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सैंड पेपर का यूज़ करा था, वैसे ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जूते से इसको यहाँ से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। ये वैसे लेदर बॉल नहीं है, लेकिन उसी की तरह है। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सीम के जरिए कि कैसे उन्होंने करा, जो सिलाई होती है गेंद की उसको यहाँ से काटने की कोशिश करी, जूतों के स्पाइक्स जो नुकीले होते हैं, और फिर यहाँ से पूरी गेंद को ख़राब करने की कोशिश करी है, क्योंकि उन खिलाड़ियों से पुजारा और रहाणे जैसे खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे हैं, बल्लेबाज आउट नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे आउट किया जाए, चीटिंग करके आउट किया जाए। तो गेंद को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे बॉल टेम्परिंग की जाती है और कैसे बॉल टेम्परिंग होती है। इसको आईसीसी की बुक में अपराध माना गया है और कई बार खिलाड़ियों पर बैन भी लगता है, हमने देखा है। तो इस लाल गेंद के साथ में, ये वैसे वो लेदर की बॉल नहीं है, लेकिन एक तरीके की ये कह लीजिए कि एक एग्जांपल देने के लिए एक बॉल है जिसको बिगाड़ा गया है इस जगह से। अब देखना होगा कि इसकी रिपोर्ट कौन करता है, और रिपोर्ट होती है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में बता रही हूँ।